हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं लेकर आया हूँ 68th बीपीएससी जो एग्जामिनेशन हुआ था 12 तारीख को, और जो है से आंसर की रिलीज किया गया था। पहले तो है प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया गया, और उसके बाद जो है से फाइनल आंसर की आयोग ने रिलीज किया। उस पर आपत्ति भी मांगा था, तो जो आपत्ति जो है से छात्रों ने दिया था उसको लेकर जो है से 16 तारीख को जो है से एक्सपर्ट की टीम बैठी थी। और उसमें क्या कुछ हुआ तो यहाँ पर बात खबर जो है पेपर उसमें जो है से देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नहीं बदलेगा 68वीं बीपीएससी पीटी का एक भी प्रश्न का उत्तर। मतलब जो आंसर की आयोग ने जारी किया था वही आंसर की रहेगा। मतलब दो बार जो आंसर की जारी किया गया है उसको कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसमें आखिर क्या हुआ बैठक में, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ देखिए, 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं बदलेगा। बीपीएससी की ओर से 4 मार्च को जारी दूसरी प्रोविजनल आंसर की के 34 प्रश्न के उत्तर को परीक्षार्थियों ने चुनौती दी थी। इनमें 13 प्रश्न ऐसे थे जिन पर पहली बार प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद परीक्षार्थियों ने आपत्ति दर्ज नहीं की थी। मतलब 34 में जो 13 प्रश्न ऐसे थे, क्वेश्चन ऐसे थे जो पहली बार जो है आंसर की जारी हुआ तो उस पर जो है कोई छात्रों ने कोई आपत्ति नहीं की थी। दूसरी बार जो है आपत्ति की गई तो उस पर जो है से एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि यही नियम है। और 21 प्रश्नों पर जो है विचार विमर्श हुआ, इसलिए प्रावधान के अनुरूप आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। जबकि 21 प्रश्न ऐसे थे जिन पर पहली बार भी आपत्ति प्रकट की गई थी। गुरुवार की आयोग की विशेषज्ञ समिति ने इन पर परीक्षार्थियों द्वारा फिर से प्रस्तुत आपत्ति पर विचार किया और आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके साथ प्रोविजनल आंसर की को बिना बदलाव का अंतिम आदर्श उत्तर भी मान लिया गया है। मतलब जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था वही आंसर की रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जो है से आप देखने वाली बात है कि जब आंसर की चेंज नहीं होगा, सेम आंसर रहेगा, जो 4-5 क्वेश्चन की उम्मीद थी चेंज होने की वो भी नहीं होगा, तो कट ऑफ जो है से वो क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो अभी जो है सो ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो चल रहा है, जो पोल उन्होंने करवाया था बीपीएससी के साइट पर, तो 18,968 जो है से कट ऑफ जा रहा है। तो अब जो है से कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि जो है से आंसर की चेंज हुआ नहीं है। तो जहां तक जो है से अब जो भी लोग जो है से ये किए होंगे, अपना अपना अनुमान लगाए होंगे, उन्होंने कि सोचे होंगे कि कहीं आपत्ति के बाद आंसर जो है चेंज हो जाएगा। और जब प्रोविजनल के आंसर की आया था तब भी लोगों का जो है से 5, 6, 7 नंबर जो है से कम हो ही गया था। तो अगर किसी का 100 आ रहा था तो उनका जो है 94-95 पर आ गए थे, और वो सोच रहे थे कि कहीं बढ़ जाए जो है से प्रोविजनल आंसर की में जो है से कुछ चेंज हो, कोई जो है से आंसर जो है से आपत्ति जो हो किया गया है उसके थ्रू, तो लेकिन वो चेंज हुआ नहीं। तो आंसर तो क्वेश्चन तो उसका जो है मार्क्स बढ़ेगा नहीं, तो लोगों का मार्क्स जो है घटा था जो प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से, वो घटा ही रहेगा जिसका जितना भी घटा था। और अभी जो है ऑफिशियल जो है से इतना चल रहा है 92.75 जो है कट ऑफ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे कम ही जाना चाहिए, या इतना ही अगर रहता है तो ठीक है जो भी हो, लेकिन इससे कम ही जाना चाहिए। और 90+ वाले जो है मुझे लगता है कि सेफ है, इससे आगे जो है कट ऑफ नहीं जाना चाहिए 90 से आगे। और जो है से 85 जो कह रहे हैं 85-80, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कम कट ऑफ जाएगा। हाँ, अगर चला जाए बीपीएससी है जो है इस बार क्वेश्चन जो है टफ था, और जो है नेगेटिव मार्किंग भी थी, और ऑप्शन जो है उस वो भी टफ था, डी और ई जो है ऑप्शन कर दिया गया था, जिससे जो है काफ़ी जो है कंफ्यूजन हो गया था छात्रों के बीच में, तो ये भी एक ये हो सकता है। लेकिन कट ऑफ 85-80 जो है से जाने की उम्मीद बहुत कम है। अगर फिर भी चला नहीं भी जाता है कट ऑफ, या चला भी जाता है, तो आप लोग जो है अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहें, उसमें जो है कोई कमी ना करें। क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी अभी से करते रहेंगे तो अगर कट ऑफ आपका कम हो जाता है तो फिर आप मेंस की तैयारी किए रहेंगे और आपका जो है टाइम जो है बच जाएगा, टाइम की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं भी होता है आपका उस मार्क्स पे जो है कट ऑफ उतना नहीं पहुंच पाता जितना आपका नंबर आ रहा है, तो भी जो है 69th बीपीएससी के लिए जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी काफ़ी फायदा हो सकता है, और आपको जो है पीटी में काफ़ी समय मिल जाएगा। और मेंस की तैयारी आप पहले से किए रहेंगे, और मेंस की तैयारी अगर पहले से किए रहेंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि असल जो है से पीटी निकलने के बाद मेंस में कम टाइम मिलता है, और मेंस की तैयारी में जो है से आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी से मेंस की तैयारी में आप जरूर लग जाइए, आप चाहे कितना भी मार्क्स आता हो मेंस की तैयारी जरूर कीजिए, पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी करते रहा कीजिए। और दोस्तों, मैं इसी चैनल पर 69th बीपीएससी या कोई भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी कोर्स स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि आप बीपीएससी में देखे होंगे कि काफी एनसीईआरटी से जो है डीपली पूछा गया, और एनसीईआरटी आप पढ़ के जाएंगे तभी जो है आप क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाएंगे। हिस्ट्री में भी जो है आप स्टेट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा था, और साइंस में तो था ही, साइंस तो इस बार टफ किया ही था। तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़े, तो एनसीईआरटी मैंने साइंस जो है 6th क्लास की जो है और 7th क्लास की हिस्ट्री और साइंस मैंने करा दिया है एनसीईआरटी का, और जो है अब 8th क्लास का मैं स्टार्ट करूंगा।
और जो है दोस्तों, और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वो वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से ISPCS होम। तो जो है आप जो है इस यहाँ से सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी मैं करवाऊंगा। पहले इसका करवा देता हूँ, हिस्ट्री और साइंस का जो है आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो हिस्ट्री और साइंस का है, और बिहार स्पेशल का भी जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं करवा ही दूंगा, MCQ के फॉर्म में या इसके इसमें भी सब्जेक्टिव फॉर्म में भी करवा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपका 69 BPSC में। और यहाँ से जो है एनसीईआरटी आप जरूर कर लें, एनसीईआरटी जो है उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी मैं शुरू करूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सके। और 69 BPSC को लेकर जो है मैं स्ट्रेटजी भी लेकर आऊंगा, किस तरह से जो है आप तैयारी अपना सही से कर सकते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स जो है आप किस तरह से गेन कर सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी शुरू किए हैं तो किस तरह से जो है से आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्या क्या टॉपिक जो है पढ़ना चाहिए, और PT में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप किस बुक से जो है पढ़ना, किस तरह से बुक को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो आप किस तरह से पढ़ें, तो इसको लेकर जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खास करके 69 BPSC के लिए, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कोई खबर आती है, रिजल्ट आएगा कुछ दिन में, मुझे लगता है 10 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।